मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम लोग पढ़ रहे हैं ईवीएस में क्लास 5 से चैप्टर 13 पानी और हम। मेरे पानी का बॉटल और इसके अंदर क्या है? पानी। बॉटल में क्या है? पानी। पानी कितना डिग्री पे बॉयल करता है? 100 डिग्री सेल्सियस। पानी के बारे में और जानते हैं आप लोग? पानी जो है कहाँ से आता है, कैसे बनता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसी के बारे में लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। पहले स्टार्ट करते हैं पानी का केमिकल नेम के साथ। एक होता है केमिकल नेम, एक होता है केमिकल फॉर्मूला। दो चीज़ होता है। एक क्या होता है? केमिकल नेम। क्या होता है बोलिए? केमिकल नेम याद करना, ठीक है? हम लोग कौन क्लास में हैं? तो नहीं याद करेंगे 5 में। और एक क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला। दोनों एक ही चीज़ है कि अलग अलग है? अलग अलग। जोर जोर से बोलिए। तो पानी का पढ़ेंगे केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला। केमिकल नेम होता है डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। याद कर लोगे? यस सर। क्या लिखा हुआ है? डाई। ये क्या लिखे हैं? हाइड्रोजन। क्या है? देखिए डाई हाइड्रोजन मोनो ऑक्साइड। ओ सिंगल होगा, ओ एक्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक्स। देखिए स्पेलिंग में क्या है? MONOXID। तो डाई का मतलब होता है साइंस में दो। क्या होता है? डाई। साइंस में डाई किसको बोलते हैं? जैसे कैसे होता है ONE मतलब एक, TWO2 मतलब दो, तो उसी तरह से साइंस वगैरह में DI डाई का मतलब क्या होता है? टू। या बाई का मतलब होता है टू साइंस में। ये दोनों वर्ड का मतलब हर बात समझ में। तो हम केमिकल नेम बोल रहे हैं, ये केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे, समझिए। यहाँ पास पानी का हम लिख देते हैं केमिकल फॉर्मूला H। इसको क्या पढ़ेंगे? टू। और ये क्या है? ओ। तो पानी का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O। क्या होता है? H2O। इसको घर पे टाइम निकाल के याद करना, बहुत भारी चीज़ है जी। नहीं याद कर लेंगे। ये क्या लिखा हुआ है? क्या है ये लिखा हुआ है? केमिकल। यहाँ भी क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ क्या लिखे हैं? केमिकल नेम। यहाँ क्या लिखा है? केमिकल। तो पानी का केमिकल फॉर्मूला है H2O और पानी का केमिकल नेम है डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। अब क्यों बोल रहे हैं? डाई का मतलब क्या होता है? तो हाइड्रोजन। यहाँ पे जो H है ना, देखो H है और O है ना, तो H का मतलब होता है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। H किसके लिए आया है? हाइड्रोजन। H किसके लिए आया है बोलिए? हाइड्रोजन। और O किसके लिए आया है? ऑक्सीजन। किसके लिए? ऑक्सीजन। उससे ऑक्साइड बनेगा। तो हाइड्रोजन कितना है? 8 है, इसलिए डाई बोल रहे हैं। H कितना लिखे हैं? और O कितना लिखे हैं? 1। तो मोनो मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब होता है 1। आपको बस इतना याद करना है, अपने आप को ये नहीं समझना कि हमसे याद नहीं होगा, बस ये याद कर लो। वाटर, पानी को बोलते हैं इंग्लिश में वाटर। क्या बोलते हैं? वाटर। और उसको उसका केमिकल फॉर्मूला है H2O। केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2O। और केमिकल नेम क्या है? साथ में बोलिए, डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है। और पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है, देखिए BP मतलब हो गया बॉइलिंग पॉइंट, शॉर्ट में लिख रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट। 100 क्या? 100 डिग्री सेल्सियस। पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है। घर में हम लोग पानी गर्म करते हैं विंटर टाइम में, जब ठंडा लग जाता है हम लोग को या गला थोड़ा जाम हो जाता है तो पानी गर्म करके पीते हैं। तो कितना डिग्री पे पानी जो है उबलने लगता है? कितना डिग्री? अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं किसको? चैप्टर को, पानी और हम। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक बच्चों को पानी के बारे में पढ़ा रहे थे। शिक्षक जो है बच्चों को क्या के बारे में पढ़ा रहे हैं? उन्होंने बच्चों से पूछा कि उनके घर में दैनिक जीवन के इस्तेमाल के लिए पानी कहाँ से आता है। आइए सुनीता, आपके घर में, आप थोड़ा आगे आइए, आपके घर में पानी का यूज होता है, पानी काम पड़ता है, तो तुम लोग पानी कहाँ से लाती हो तुम्हारे घर में? कुआं में। और कुआं कहाँ पास है? कुआं तुम्हारे घर के अंदर है कि घर के बाहर है? बाहर। बाहर कितना दूर होगा घर से? पानी कौन कौन भरता तुम्हारे घर में? पानी भरने का काम किसका है? मम्मी। मम्मी का। और तुम भी भरती हो? हाँ। ठीक है, आप बताइए तो क्या नाम है? खुशी। खुशी, आप इधर जाइए। सुनीता, आपके यहाँ पानी का कैसे होता है काम? कहाँ से आता है? कल में से। कल कहाँ पे है, घर के अंदर के बाहर? घर में। घर के अंदर। आपके घर में, आपका नाम साकिब हुआ, तो पानी का कहाँ से पानी मिलता है आपको? मोटर से। मोटर से। घर में मोटर लगा है? नहीं से। हाँ तो बाहर से। बाहर से भरते हैं। घर के अंदर मोटर है कि नहीं है? नहीं से। नहीं है। घर में चापाकल है? यस सर। कुआं भी घर में है? नहीं से। नहीं। आप आइए,
आपका नाम? अमन कुमार। अमन कुमार, तो आपके यहाँ पानी का काम कैसे होता है? कहाँ से आता है पानी? नल से। नल से? नल लगा मोटर? नल। नल कहाँ से? सरकार लगाया है। हाँ। ठीक है, और पानी का इस्तेमाल क्या के लिए करते हैं आप लोग? खाना बनाने के लिए। हाँ? पीने के लिए। और कपड़ा भीगने के लिए। कपड़ा भीगने के लिए, कपड़ा धोने के लिए। और नहाने के लिए। नहाने के लिए। और घर में पीने के लिए। पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, साफ सफाई करने के लिए। ठीक है, तो पानी को बर्बाद करना है नहीं, नहीं करना है। तो पानी को बचाने के लिए हर साल कुछ मनाते हैं, तो विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च। और उसी दिन होता है बिहार दिवस भी, दोनों है ना सेम डे। तो शिक्षक जो है बच्चों से बात कर रहे थे, हम लोग अपने क्लास में 4 बच्चे से बात किए, तो एक के यहाँ पानी किससे आता है? कुआं से। एक के यहाँ मोटर से, एक के यहाँ चापाकल से। कहाँ कहाँ से आता है पानी, सुनियो बच्चों की जुबानी। तो हम लोग बच्चों की जुबानी सुनी, नहीं सुने? सुने हैं, फिर भी हम लोग दोबारा देखते हैं। देखिए यहाँ पास ये आपके स्कूल बुक में टोटल जो पेज नंबर 85 पे जो पिक्चर है, 85 पे है, 86 पे, मतलब जितना भी बुक में पिक्चर दिया हुआ है सबको लाए हैं प्रिंट करके, ठीक है, पढ़ाने के लिए। तो इसका नाम क्या है पहले बच्चे का? मयंक। क्या नाम है? दूसरा कौन है? सीमा। तीसरा कौन है? मैरी। तीन लोग हैं, मयंक, सीमा और मैरी। कितने लोग हैं? तीन लोग। कौन कौन? मयंक, सीमा और मैरी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मयंक के बारे में, सीमा के बारे में और मैरी के बारे में। ये पहला वाला किसका है? देखिए तो किसका है? हमारे मोहल्ले में दिन में 2 बार नल में पानी आता है। ये बोल रहा है मयंक। कौन बोल रहा है? मयंक। कि दिन में 2 बार नल में क्या आता है? पानी। पानी के लिए सार्वजनिक नल पर लंबी लाइनें लगती हैं। सार्वजनिक नल बोलते हैं पब्लिक टैप को, मतलब कि वो सार्वजनिक का मतलब कि सभी लोग का है। देखिए जिनके घर में पर्सनली मोटर लगा हुआ है, हैंडपम्प लगा हुआ है, तो पानी भरने में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मोहल्ला में जब एक सामुदायिक नल हो या सार्वजनिक नल हो, सार्वजनिक का मतलब क्या हुआ कि उसमें से कौन कौन भरेंगे? सब लोग। तो लंबा लाइन लगता है वहाँ पास, और कभी कभी क्या होता है पानी भरने के लिए होता है झगड़ा। गांव में भी आपके अगर इस तरह से देखिए भरेंगे पानी इस तरह से कि यहाँ पे एक नल लगा हुआ, क्या लगा हुआ यहाँ पास? नल। और यहाँ पास पानी भरने की लाइन है, 1, 2, 3, 4 लोग भी हैं। तो कभी कभी पानी के लिए लड़ाई तक नहीं होता है। तो मयंक के मोहल्ले में पानी दिन में कितना आता है? 2 बार। कितने बार? 2 बार। अब अगला कौन है सेकंड में? कौन है यहाँ पास? सीमा। कौन है? सीमा। हम कुएं से पानी भरते थे। कुएं से पानी भरते थे। कुआं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वेल। क्या बोलते हैं? कुआं का इंग्लिश क्या होता है? वेल। हम कुएं से पानी भरते थे, पास के कुएं 1 साल पहले सूख गए। देखिए जो सीमा है, सीमा अपने घर के लिए पानी कहाँ से लाती थी? लाती थी। ला रही अभी? क्यों नहीं ला रही? कुआं क्या हो गया है? सूख गया है। अब काफी दूर चल के पैदल जाना पड़ता है। उन लोगों को इतना पानी के लिए परेशानी है कि पानी भरने के लिए अब बहुत दूर क्या चलना पड़ता है? पैदल चलना पड़ता है। पानी का कीमत पूछिए आप राजस्थान में, जैसलमेर में, जहां पानी का दिक्कत है। पानी बर्बाद करना है जी? नहीं सर। अगला थर्ड है, थर्ड लड़की कौन है? देखो तो मैरी। हमारे यहाँ तो दिन भर पानी आता है। देखिए मैरी के घर में मोटर लगा हुआ है, तो इसको पानी कोई दिक्कत नहीं है। अरे बात समझ में, इन तीनों बच्चे में सबसे आराम किसको है? मैरी को। और सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको है? सीमा को, क्योंकि सीमा को पानी भरने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? पैदल जाना पड़ता है दूर। और किसको लंबा लाइन लगना पड़ता है? कोई दिक्कत? तो विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? देखिए विश्व जो जल दिवस है, वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं बोलिए? 22 मार्च को। 22 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड वाटर डे। फर्स्ट टाइम मनाए थे 1993 में, 1992 में नहीं मनाए हैं। 1992 में मतलब प्रपोजल रखा गया, अब पहली बार मनाया था कब? 1993। बातचीत सारा कर ली थी मनाने के लिए, करने के लिए मीटिंग कर ली थी 92 में, लेकिन पहली बार दुनिया में विश्व जल दिवस कब मनाए थे? 1993। 1993 बोली साथ में, 1993। और हर साल पानी को बचाने के लिए, कि पानी की बहुत कीमती चीज़ है, उसको बचाने के लिए 22 तारीख को मार्च में मनाते हैं विश्व जल दिवस, ताकि पानी के उपयोग को हम लोग समझें, जाने और दूसरे लोगों को प्रेरित करें। और उसी दिन क्या होता है? बिहार दिवस। अब आइए अगले पेज पे, देखिए पेज नंबर 86 पे। 86 पे आपके स्कूल बुक में कुछ इमेज दिया हुआ है, तो ये स्कूल बुक से ही ना है। पहला नाम क्या लिखा हुआ है? रामू। सेकंड कौन है?
अकरम और थर्ड कौन है? सलमा। तो रामू के यहाँ क्या लगा? देखिए तो जी रामू के यहाँ क्या लगा हुआ है? मेरे यहाँ हैंडपम्प लगा है। क्या लगा है? जोर से बोलिए। हैंड मतलब क्या होता है? अब पंप मतलब कि मशीन जो भी है। तो जो मशीन जिसको बोलते हैं चापाकल, जो काची से चलाते हैं हम लोग, क्या से चलाएंगे? हाथ से। मोटर को भी हाथ से चलाते हैं? मोटर क्या से चलता है? बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से। लेकिन हैंड पंप को चलाना पड़ता है किससे? तो रामू के यहाँ क्या लगा है? हैंड पंप। उसका पानी काफी खरा है। देखिए पानी खरा का मतलब क्या होता है कि पानी का सॉल्टीनेस जो होता है ज्यादा होता है। इसे यहाँ पास क्या बना हुआ है? अच्छा, जो रामू के यहाँ हैंडपंप है उसका पानी कैसा है? खारा। क्या लिखा बुक में? खारा नहीं, खारा लिखा हुआ है। इसका इंग्लिश हुआ पानी जो है सॉल्टी है। सॉल्टी कहने का मतलब है कि पानी बहुत नमकीन है, पानी पीने के लायक नहीं है। समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा। पहले ये समझो कि दुनिया में जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी पे 71% क्या है? वाटर, वही जल है। पृथ्वी का 71% क्या है? वाटर, जल। और बचा कितना? 29% ही क्या आपका है? धरती, इसको बोलते हैं लैंड, LANDी। लैंड का हिंदी क्या हुआ? धरती, जमीन। जमीन जो है ये पृथ्वी का बना है मॉडल। तो हम लोग के पृथ्वी पे जितना पृथ्वी है उसके 71% पे जल है। क्या है? जल है, वाटर है। और 29% पे क्या है? धरती है। अभी समझो, जो जल है ना, अब कहीं जल बनाते हैं तो जितना जल है उसका लगभग लगभग 97% हर जगह परसेंटेज अलग अलग होता है। तो मान के चलो कि 97% जो वाटर है वो सॉल्टी है। कैसा पानी है? सॉल्टी वाटर। सॉल्टी कहने का मतलब है खरा पानी, नमकीन पानी है। तो जो कहाँ मिलेगा? सी में, ओशियन में। सी बोलते हैं किसको? सागर को। ओशियन बोलते हैं महासागर को। सी मतलब वही हो गया समुद्र। अरे ओशियन जो है पांच हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न, आर्कटिक। पूरे दुनिया में कितने ओशियन हैं? पांच। और सी जो है लगभग 50 के आसपास हैं। इसे मेडिटेरियन सी, रेड सी, लगभग अबाउट बोल रहे हैं, अबाउट 48। मेरा बात समझो ध्यान से। इस धरती पे ज़्यादा क्या है, मतलब इस पृथ्वी पे ज़्यादा पानी है, ज़्यादा जमीन है? क्या है? पानी है। 71% क्या है? पानी, जल। और 29% क्या है? धरती, लैंड, जो मतलब मिट्टी उट्टी आप देख रहे हैं, पहाड़ देख रहे हैं। लेकिन फिर भी पानी का दिक्कत क्यों है? हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर शहर में, दुनिया के हर एक देश में दिक्कत क्यों है? क्योंकि जो पानी आपके पास है उसमें से अधिकतर पानी क्या है? खरा पानी। क्या है? तो खरा पानी कितना है बोलिए? 97%। और फ्रेश वाटर कितना है? 3%। 3% जो पानी है वो है फ्रेश वाटर। क्या है? अब ये 3% भी जो है वो आपके पास पूरा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसमें से भी जो 2% है वो पोलर आइस कैप्स में है। आगे पढ़ोगे, बस ये समझो कि हम लोग को जो पानी यूज करना है, जिस पानी को पीना है, जिससे नहाना है, जिससे कपड़ा धोना है, वो पानी बहुत ही कम है। क्या है? अब पानी तो ज़्यादा है, लेकिन सब पानी कहाँ पे है? समुंदर में और महासागर में। ओशियन का हिंदी क्या हो गया बोलिए? महासागर। तो महासागर कितने होते हैं? पांच। सबको नहीं बोल रहा है, महासागर कितने होते हैं? पांच। और सी जो है लगभग कितने होते हैं? 50 लगभग। कहीं कहीं रहता है 48 लिखा हुआ, कहीं 50 लिखा हुआ। तो जो पानी रहता है सागर में, देखिए सी मतलब सागर, समुंदर। तो सागर में और महासागर में पानी खर्रा है कि अच्छा पानी है? खरा पानी। खरा मतलब कि उस पानी में सॉल्ट ज़्यादा है, वो पानी आप पी नहीं सकते, पीने पे बीमार पड़ जाएगा। अरे बात समझ में? तो पानी को बर्बाद करना है नहीं करना है। तो रामू के यहाँ क्या लगा हुआ? देखिए रामू के यहाँ क्या लगा हुआ है? हैंडपम्प। क्या लगा हुआ है? तो उसके घर में तो हैंडपम्प है, लेकिन पानी कैसा उसका है? खर्रा पानी है, सॉल्टी पानी है। कपड़े तक साफ नहीं होते हैं। खराब पानी में कपड़ा साफ होता है जी? खराब पानी में सरफ मिलाएंगे तो वो फेन नहीं करेगा, झाग नहीं करेगा। अरे समझ में? जो सरफ का मिसल्स बनना चाहिए, जो झाग बनना चाहिए वो बनेगा? तो जब सोचिए पानी से कपड़ा साफ नहीं हो रहा है तो वो पानी पीने के लायक होगा? वैसा पानी पीने पे आपका जो किडनी है, आपके जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं अंदर के, वो खराब हो जाएंगे। अरे समझ में? तो फिर भी हम पीते हैं, लेकिन बोल रहा कि मजबूरी में कपड़ा तक साफ नहीं होता रामू के घर में, फिर भी मजबूरी में क्या कर रहे हैं? उस तरह के पानी को पी रहा। कौन लोग? रामू के बाद कौन है यहाँ पे? कौन है यहाँ पास? कौन है? जोर से बोलो ना जी।
अकरम, मेरे यहाँ दिन में आधे घंटे के लिए पानी आता है। इनके यहाँ क्या है कि इनके घर में अपना मोटर वगैरह नहीं है, तो बाहर से सरकार जो है पाइप का कनेक्शन कर दिया है, लेकिन पानी आता है कितना देर? आधा घंटा में कितना मिनट? 30 मिनट। हम लोग दिन भर के इस्तेमाल के लिए टंकी में पानी भर के रखते हैं, तो अकरम क्या करते हैं कि वही पानी चलाना है दिन भर, तो क्या करते हैं टंकी में, बड़ा गैलन में, बड़े बाल्टी में पानी को क्या कर लेते हैं, भर लेते हैं। ये लोग इतने लकी नहीं हैं अकरम लोग, इनके परिवार इतने खुशकिस्मत नहीं हैं कि जब चाहे मोटर ऑन करके नहा लिए। हम लोग क्या सिस्टम, क्या गर्मी लगा मोटर चालू किए नहा लिए, ठंडा लग रहा गीजर चालू किए नहा लिए, लेकिन अकरम के यहाँ पानी कितना आता है? तो ये लोग दिन भर का पानी भर के रख लेते हैं। अकरम के बगल में कौन है जी? सलमा। तो हम नहर से पानी भर कर लाते हैं। सलमा पानी कहाँ से लाती है? है कि नहीं प्रॉब्लम? रामू के साथ प्रॉब्लम है कि नहीं है? रामू के साथ परेशानी है कि नहीं है? अरे बोलिए आप लोग सब कोई। अकरम के साथ? सलमा के साथ? बताइए मैं लिखा हुआ आपके यहाँ जिस तरह से पानी आता है उस चित्र पर निशान लगाइए। जैसे 6 चित्र दिया हुआ था, टोटल कितना चित्र है? 6। देखिए 6 चित्र है। एक में किसका? मयंक है, सीमा है, मयंक, सीमा, मैरी, रामू, अकरम, सलमा, है ना? तो आपके यहाँ जिस तरह से पानी आता होगा उस पर टिक करना है। अगर नहर से आते हो तो नहर पर टिक करना है, कुआं से भरते हैं कुआं पर टिक करना है, चापाकल मतलब जो आप यहाँ आता है पानी क्या करना है उस पर टिक करना है आप अपने किताब में। अगला, इनके अलावा पानी के और स्रोत कौन कौन हैं आपको बताना है कि स्रोत मतलब जरिया, सोर्सेस, सोर्स मतलब स्रोत मतलब सोर्सेस कि पानी और कहाँ कहाँ से मिलता है। इसे बुक में लिखा होता नहर से, हैंडपम्प से, मोटर से, तो हम लोग को आगे लिखना है। तो बुक में पूछा था कि इसके अलावा पानी के और स्रोत क्या हैं। स्रोत को बोलते हैं सोर्सेस, क्या बोलते हैं? तो और सोर्सेस लिखना था, तो हो जाएगा वर्षा जल, रेन वाटर, नदी, रिवर, तालाब, पॉन्ड, और क्या हो गया? झील, लेक, मतलब यहाँ से भी पानी मिलता है। देखिए बुक में पेज नंबर 87 पे आपके क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है? मयंक और मैरी के यहाँ जिस तरह से पानी आता है उसमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है दोनों में, दोनों फैमिली में? तो इधर किसका लिखे हैं? मयंक का। यहाँ किसका लिखे हैं? तो मयंक के घर पर कौन सा नल है बताइए, कैसा है? सार्वजनिक नल, बोलते हैं पब्लिक टैप। सार्वजनिक का मतलब है कि एक आदमी का नहीं है, पूरे मोहल्ले का है, पूरे गांव का है, मतलब सरकारी, समझ सरकारी चीज़ है, सब कोई भर सकता है। तो मयंक के घर पे पानी किससे आता है, कौन नल से? सार्वजनिक नल से। और मैरी के घर बोरिंग की सुविधा से भरी गई टंकी से जुड़े नल से पानी आता है। मैरी के यहाँ अपना बोरिंग है, अपना टंकी है, उसमें पानी भरती हैं। सार्वजनिक नल पर लंबी लाइन लगाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? और अपने नल पर कोई भी लाइन लगाना पड़ेगा? सब बोलिए। तीसरा, दिन में नल से केवल आता है पानी दो बार, किसके यहाँ? मयंक के यहाँ। और दिन में नल से इच्छा अनुसार पानी आता है, अपना नल है, जब मन तब ऑन कर लेंगे, तब चालू कर लेंगे। लिखिए आप लोग, क्या कभी मैरी को, जो मैरी है ठीक है, मैरी को मयंक की तरह लंबी लाइन में खड़े होकर पानी लाना पड़ेगा, उसके लिए झगड़ा करना पड़ सकता है पानी के लिए? नहीं, क्योंकि मैरी के यहाँ बोरिंग की सुविधा उपलब्ध है, जिसके कारण वह जब चाहे अपने घर में नल रहेगा, जब चाहे ऑन कर लेंगे, लड़ाई होगा? अगला क्वेश्चन है, हम पानी का उपयोग किन किन कार्यों के लिए करते हैं, मतलब जो पानी है उसका इस्तेमाल किन किन कामों के लिए करते हैं, ये बच्चे लोग से पूछेंगे। क्या के लिए करते हैं? कपड़ा धोने के लिए। कपड़ा? आप? सिंचाई करने के लिए। सिंचाई मतलब होता है खेती में पानी डालने के लिए। आप लोग? पानी पीने के लिए। पानी पीने के लिए। और कपड़ा धोने के लिए। कपड़ा धोने के लिए। और पानी का इस्तेमाल नहाने के लिए, और बर्तन धोने के लिए, और खाना बनाने के लिए। खाना बनाने के लिए। दीपावली में घर का सफाई करेंगे, अभी आज कितना 26 तारीख है, दीपावली कब है? 31 तारीख। तो घर का सफाई हो रहा है, yes, तो घर धोने के लिए पोछने के लिए इस्तेमाल काची करते हैं, पेट्रोल से करेंगे? नहीं से करेंगे, पानी से। और सोची पानी का यूज? पेड़ में पानी डालने के लिए। वही सिंचाई में आ गया। और सब्जी धोने के लिए, जो सब्जी लाते हैं मार्केट से उसको धोने के लिए। और कुछ पानी का इस्तेमाल? बहुत सा काम जो किससे करते हैं, पानी से करते हैं। साइकिल वाइकिल, बाइक वगैरह धोने। अच्छा, जब बाइक धोएंगे तो नल से धोना बाइक को कि बाल्टी में पानी भर के? बाल्टी में पानी भर के। पानी की उपयोगिता के संबंध में कक्षा में बड़ी जोरों से चर्चा चल रही थी, चर्चा मतलब था बातचीत, सभी बच्चे अपने अपने अनुभव बांट रहे थे। एक लड़की का नाम है जया, क्या नाम है?
पानी नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। क्या बिना पानी के हम लोग जिंदा रहेंगे? नहीं। राहुल बोला पानी नहीं होगा तो खेत सूख जाएंगे, फसलें नहीं हो पाएंगी। जो फसल होते हैं वो हो पाएगा? नहीं। टीना बोलती है पर राहुल पानी ज़्यादा होना भी तो ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा पानी होना अच्छा बात है? नहीं। राहुल वो कैसे? अच्छा, ज़्यादा पानी होता क्या होता है? बाढ़। बाढ़ को इंग्लिश क्या बोलते हैं? फ्लड। क्या बोलते हैं? अभी पिछले महीना में, अभी अक्टूबर चल रहा है, सितंबर में जो डेट था 25 सितंबर, 27, 28, 29, हम लोग के स्कूल में रोज असेंबली में पेपर होता कि नहीं होता न्यूज़पेपर? रोज आप लोग को न्यूज़पेपर पढ़ाया जाता है? तो पिछले मंथ में था न्यूज कि बाढ़ आ गया, बाढ़ आ गया उत्तर बिहार में। तो बिहार में कौन सी नदी जो बाढ़ लाती है? कोसी। कौन है? कोसी। तो कोसी को बोलते हैं सॉरो ऑफ बिहार। थोड़ा सा हम जान लेंगे किसके बारे में? कोसी के बारे में। तो बाढ़ के बारे में पढ़ना हम लोग को, फ्लड के बारे में, वो हम लोग करेंगे पार्ट टू में। पार्ट वन यहाँ पे क्या हुआ? कंप्लीट हुआ।